नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। विभिन्न मांगों को लेकर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ ने आक्रोश मार्च निकालकर समाहरणालय के समीप जमकर प्रदर्शन किया। आक्रोश मार्च की शुरुआत नवादा स्टेशन की गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए समाहरणालय के मुख्य गेट पर पहुंचा, जहां जमकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे संघ के जिला अध्यक्ष विजय प्रसाद सिंह ने कहा कि सरकार की गलत रवैया के कारण सेविकाओं का आर्थिक और मानसिक शोषण किया जा रहा है। उन्होंने अवैध चयन मुक्त सेविकाओं और सहायिकाओं की सेवा वेतन सहित वापस करने की मांग की है। नवादा से अनिल शर्मा की रिपोर्ट। स्तरीय कार्यक्रम है, पूरे राज्य में मुख्यालय पर कार्यक्रम किया जा रहा है। सेविकाएं अपनी मांगों को लेकर मांगों में है, सेवा को नियमित किया जाए, और जब तक नियमित नहीं किया जाता है तब तक के जो उम्र सीमा 65 साल है वह सीमा को तोड़ दिया जाए। जब तक सेविकाएं सक्षम है तब तक के काम करेगी, ये मांग है हमारी। और दूसरा है कि सेविकाओं को बिना नियम कानून के, बिना विधि व्यवस्था के, बिना कारण के सेविकाओं को चयनमुक्त किया जा रहा है। तो चयनमुक्त सेविकाओं को, जो नवादा जिला में 18-20 सेविकाएँ चयनमुक्त है, सहायिकाएँ, उसको वापस किया जाए। तीसरा है कि बाजार मूल्य के अनुसार सेविकाओं को मुहैया नहीं करवाया जाता है। बच्चों को बांटने के लिए 7 रुपये किलो आलू दिया जाता है, 110 रुपये किलो तेल दिया जाता है। इस प्रकार से जितना भी सामान दिया जाता है, दाल का रेट मात्र 68 रुपये है। तो इसको दूर किया जाए और सेविकाओं को बाजार मूल्य से ही उसको उपलब्ध करवाए। इसीलिए प्रदर्शन हुआ। क्या नाम हुआ? विजय प्रसाद सिंह, आंगनबाड़ी सेविका सहायता संघ जिला अध्यक्ष।